धरने में बड़े बड़े किरदार हैं, सिर्फ इमरान खान अकेला नहीं, ताहिरुल कादरी भी ऐसे ही किरदारों में शामिल हैं। घबराने वाला नहीं हूं, वक्त आने पर दीगर किरदारों के नाम भी बता दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऐलान, कहा पीटीआई का ना कोई किरदार है ना नजरिया। पीटीआई पगड़ी उछाल और अंपायर की उंगली की तरफ देखने वाली पार्टी है। केपी के अवाम ने पीटीआई की तब्दीली देख ली। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया सील मिल रेफरेंस की समाअत, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। वकील सफाई ख्वाजा हारिस, गवाह वाजिद ज़िया पर जिरा, इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत भी जारी। नैब का नवाज शरीफ पर भारत मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम का मामला, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन नैब की तलबी को मुस्तरद कर दिया, मामले से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला। माह सयाम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया, सऊदी अरब में पहला रोजा कल होगा। लाहौरियों की इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक पर आजमाइशी दौड़ आज होगी। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि ऑरेंज लाइन पाकिस्तान में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट साबित होगी। सेहूनी फोर्सेस के मासूम फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी, इसराइली फायरिंग और शेलिंग से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 61 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीनियों की शहादत की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। और तारीखी डबलिन टेस्ट मैच शाहीनों के नाम, पाकिस्तान ने आयरलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन हदफ के ताकुब में इमामुल हक की 74 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग, बाबर आजम ने भी निसफ सेंचुरी दाग दी। मोहम्मद अब्बास ने 9 जबकि मोहम्मद आमिर ने 5 विकेटें हासिल की।